काशी की एक खूबसूरत शाम को मणिकर्णिका घाट पर बैठा 25 साल का शुभम कभी जलती हुई चिताओं को देख रहा था तो कभी गंगा मैया के बहते पानी को। अपनी लाइफ की हालत भी इस घाट जैसी ही है। एक तरफ प्रेजेंट पानी की तरह बहता चला जाता है और दूसरी तरफ फ्यूचर की चिता जल रही है, और मैं यहां बैठे बैठे अपनी किस्मत को रो रहा हूं। मन तो कर रहा है एक बार हिम्मत करके गंगा मैया में कूद जाऊं, फिर ना रहेगा शुभम, न रहेंगे उसकी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं होगा बेटा, समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो इनसे मर के भी पीछा नहीं छूटेगा। उससे तो अच्छा है समस्याएं यहीं सुलझा लो, फिर यहां भी खुश रहोगे और वहां भी। शुभम ने पीछे दाएं मुड़ के देखा तो एक बाबा खड़े थे, उम्र कोई 60 बरस होगी, माथे पर सिंदूरी टीका, चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका, गले में राम नाम का गमछा। बजरंग बली के भक्तों को जीवन से ऐसे हार मान लेना शोभा नहीं देता। उनके भक्तों में तो उन्हीं के समान शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं हनुमान भक्त हूं? तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पड़ा है ना, वो बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान भक्त हो तो हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ते होगे? हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूँ। वैसे मैं रोज सुबह मोबाइल पर हनुमान चालीसा सुनता जरूर हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है, लेकिन लगता है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। मैं समझा नहीं बाबा। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन वो सभी उसकी शक्ति को नहीं जानते। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसे अगर तुम्हें जागृत करना और उसका प्रयोग करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है, करियर या किसी परीक्षा में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा, यहां तक कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेने से ऐसी ऐसी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपाइयां हैं, उनमें कोई मंत्र वगैरह तो है नहीं। वो 40 चौपाइयां ही अपने आप में ऐसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र हैं जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। बाबा, क्या आप बताएंगे मुझे वो तरीका? हनुमान जी में मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। हाँ क्यों नहीं, समझ लो हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें तुम्हारे संकटों से उबारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनके शुभम को विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसे ये रास्ता दिखाया, इसलिए वो अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की शक्ति। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली, क्या कारण है इसके, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है, क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित हैं।